हाँ मैं खाता हूं बीफ, क्या करते बताओ? मैं खाता हूं, खाता रहूंगा। पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, मजे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में AIMIM अर्थात ऑल इंडिया मजलिसे इतिहादुल मुस्लिमीन सबसे ज्यादा विवादास्पद पार्टी बनकर उभरी है। इस पार्टी की इस्लामिक कट्टरपंथ व हिंदू घृणा वाली विचारधारा और मुसलमानों के बीच लगातार बढ़ रहे समर्थन के कारण लोग इसे मुस्लिम लीग का नया जन्म मान रहे हैं। तो जानते हैं उस समय की हैदराबाद रियासत में हिंदुओं की स्थिति और क्या है ये पार्टी और क्या है इसका इतिहास। हैदराबाद रियासत जिस पर कट्टर मुसलमान निजाम का शासन था, उसमें 85% जनसंख्या हिंदू थी। निजाम द्वारा शासित हैदराबाद में 90% उच्च प्रशासनिक पदों पर और 95% पुलिस व सेना में मुसलमान भर्ती किए गए थे। हैदराबाद के निजाम की हिंदुओं के प्रति क्या सोच थी, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि वो कहता था, सुन के नाराए तकबीर जलजला आ ही गया तारे जुन्नार पर, जिसका अर्थ है नाराए तकबीर सुनकर ही काफिरों के जनेऊ पर खतरा आ जाता है। हैदराबाद रियासत से अन्य संस्कृतियों को समाप्त करने और रियासत का इस्लामीकरण करने के अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निजाम ने इस क्षेत्र में बोले जाने वाली तेलुगु और मराठी भाषाओं पर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए थे और इनके स्थान पर उर्दू को थोपा जाता था। उर्दू को रियासत के सभी स्कूलों में पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया गया था। हैदराबाद रियासत में गैर मुसलमानों को छल बल से मुसलमान बनाने के लिए दीनदार अंजुमन नामक एक संगठन भी बनाया गया था। इतना ही नहीं, निजाम ने 1938 में वंदे मातरम के गायन और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में धोती कुर्ता पहनने पर भी रोक लगा दी थी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वंदे मातरम गाने के लिए 350 छात्रों को निलंबित कर दिया गया था। इन निलंबित छात्रों में बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव भी थे। इस क्रूर इस्लामिक शासन में केवल वंदे मातरम गाने पर 15 वर्षीय रामचंद्र राव को कारावास के साथ 24 कोड़े मारने की सजा दी गई थी। सन 1927 में हैदराबाद के कट्टरपंथी मुसलमान निजाम मीर उस्मान अली खान की सलाह से महमूद नवाज खान किलेदार ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था इतिहादे बैनल मुस्लिमीन, जिसे बाद में मजलिसे इतिहादुल मुस्लिमीन या MIM कहा जाने लगा। मजलिसे इतिहादुल मुस्लिमीन का अर्थ है काउंसिल फॉर यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स। रियासत में मुसलमानों की स्थिति और इस्लामिक शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से MIM की स्थापना की गई थी। 1938 में बहादुर यार जंग MIM का अध्यक्ष बना। बहादुर यार जंग एक कट्टर पैन इस्लामिस्ट और मोहम्मद अली जिन्ना व मोहम्मद इकबाल के बहुत निकट था। ये पाकिस्तान बनाने के लिए पूरी शक्ति से लगा हुआ था। ये पूरे भारत में इस्लामिक सत्ता स्थापित करने की सोच रखने वाले खाकसर संगठन को भी हैदराबाद में बढ़ा रहा था। बहादुर यार जंग की कट्टरपंथी और आक्रामक नीतियों के कारण MIM हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों के मुसलमानों के बीच बहुत लोकप्रिय होने लगी थी। जंग ने केवल 3 साल में 24,000 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाकर मुसलमान बना दिया था। इसके इन सब कार्यों के लिए मुसलमानों द्वारा इसे कैद मिल्लत अर्थात मुसलमान कौम का नेता की उपाधि भी दी गई थी। 1944 में बहादुर यार जंग की मृत्यु के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े घोर कट्टर मुसलमान कासिम रिजवी को MIM का अध्यक्ष बनाया गया। कासिम रिजवी ने हैदराबाद रियासत में मुसलमानों की एक हथियारबंद फौज तैयार की। इस फौज में शामिल मुसलमानों को रजाकार कहा जाता था। रजाकार का अर्थ है अपनी इच्छा से इस्लाम के लिए काम करने वाला। इस इस्लामी फौज में लाखों की संख्या में मुसलमान भर्ती थे, जिनमें से अधिकांश MIM के कार्यकर्ता थे। कासिम रिजवी ने रजाकारों को हथियारों का प्रशिक्षण देने के लिए 52 ट्रेनिंग सेंटर भी शुरू किए थे। अपने कुख्यात वेपन्स वीक भाषण में कासिम रिजवी ने घोषणा करते हुए कहा था, हैदराबाद एक इस्लामिक राज्य है। इस अधिराज्य में यानी भारत अधिराज्य में 4,50,00,000 मुसलमान हैं जो इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए हमारी ओर देख रहे हैं। इस्लाम की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए हम मुसलमानों को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार लेकर दुश्मनों को काटते हुए आगे बढ़ना है।
आगे हिंदुओं का उपहास करते हुए कासिम रिजवी कहता है, हिंदू जो कि काफिर हैं, पत्थर और बंदरों की पूजा करते हैं, धर्म के नाम पर गौमूत्र और गोबर खाते हैं और हर तरह से असभ्य हैं, वे हम पर राज्य करना चाहते हैं लेकिन वे शासन करने में सक्षम नहीं हैं। कासिम रिजवी अक्सर कहता था, हैदराबाद में हम मुसलमान भले ही कम हैं, लेकिन हमारे निजाम ने यहां 200 साल राज किया है। इसका एक ही मतलब है कि हम मुसलमान सिर्फ राज करने के लिए ही बने हैं, और देखना एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुसलमान इस पूरे देश पर राज करेंगे। 10 जून 1948 को कासिम रिजवी ने कहा, हम मुसलमान महमूद गजनवी और बाबर की औलादे हैं, हम लाल किले पर आसफजाही झंडा लहराएंगे। जब मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग भारत को तोड़कर मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाने की मांग कर रही थी, तब MIM और निजाम ने मुस्लिम लीग को हर संभव सहायता प्रदान की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने रियासतों के सामने भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में विलय या स्वतंत्र रहने का विकल्प रखा, तो MIM और हैदराबाद के निजाम ने पाकिस्तान का पक्ष लिया। उनका मानना था कि या तो हैदराबाद एक स्वतंत्र रियासत बनकर रहे जिसका शासन इस्लामिक कानून अर्थात शरिया के अनुसार चले, या ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की तर्ज पर हैदराबाद रियासत को साउथ पाकिस्तान घोषित कर उसका विलय पाकिस्तान में कर दिया जाए। चूंकि हैदराबाद रियासत की 85% आबादी हिंदू थी, तो MIM के लिए हैदराबाद का पाकिस्तान में विलय कराना आसान नहीं था। इसलिए निजाम और MIM ने पूरे भारत से मुसलमानों को हैदराबाद आकर बसने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद रियासत में रह रहे हिंदुओं के लिए स्थिति अब बद से बदतर हो गई। इन मुसलमान रजाकारों ने हैदराबाद रियासत में रहने वाले हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार करना शुरू कर दिया। रिकॉर्डेड आंकड़ों के अनुसार रजाकारों ने 1431 गांवों पर हमला कर हजारों घरों को जला दिया, 921 लोगों की हत्याएं की, 1150 महिलाओं का बलात्कार किया और 10 करोड़ 30 लाख रुपए की संपत्ति की लूट की। लेकिन वास्तव में ये आंकड़े इससे कहीं अधिक होंगे, क्योंकि वाडलाकोंडा के पास हुई एक घटना में ही 9 गांवों को जलाकर राख में बदल दिया गया था। हजारों हिंदू पुरुषों एवं महिलाओं की हत्या, बलात्कार किए गए और सैकड़ों घरों व अनाज के गोदामों को लूटकर आग लगा दी गई थी। एक हिंदू अधिकारी के अनुसार, हमलों के बाद मेरे स्टाफ के अधिकारियों और रजाकारों द्वारा इकट्ठा किए कानों के कुंडल, मंगलसूत्र और नाक के आभूषण जो कि खून से सने होते थे, उनके द्वारा आपस में बांट लिया जाता था। मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, ऐसे झूठे आधार बनाकर हैदराबाद रियासत में हिंदुओं पर अपने धर्म का प्रचार करने, मंदिरों की मरम्मत कराने, नए मंदिर बनाने और अपने धार्मिक कार्य करने तक पर अनेक तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे। रजाकारों के क्रूर कार्यों में मुसलमान सरकारी अधिकारी, पुलिस और सेना सभी उनके साथ थे। रजाकारों का इस्लामिक आतंक हर जगह व्याप्त था, यहां तक कि कारागार भी सुरक्षित नहीं थे। मुसलमान कैदियों के साथ मिलकर अधिकारियों और रजाकारों ने निजामाबाद जेल पर हमला कर 123 हिंदू कैदियों की हत्या कर दी थी। सरकारी अधिकारियों को भी हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसका अभ्यास वे पुलिस और सेना के साथ निहत्थे हिंदुओं पर करते थे। हैदराबाद में हिंदुओं के साथ हो रही भयावहता का अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है कि भैरवनीपल्ली में घरों को जलाने और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार करने के बाद 92 हिंदू पुरुषों को एक लाइन में खड़ा कर बांध दिया गया था। इसके बाद एक 303 बुलेट से कौन ज्यादा हिंदुओं को एक साथ भेज सकता है, इसके लिए मुसलमानों द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। हिंदुओं को मारने के लिए कभी कभी इससे भी क्रूर तरीके अपनाए जाते थे। उदाहरण के लिए कोड़कंडला के पास श्राद्ध करके लौट रहे 5 ब्राह्मणों को इमली के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया गया था। एक अनुमान के अनुसार सन 1947-48 में अकेले बीदर जिले में 176 गांवों पर हमला कर 120 लोगों की हत्या की गई। अनेकों हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया, 4,20,00,000 रुपये की लूट की गई और सैकड़ों हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया गया। हिंदुओं के साथ हो रही रोंगटे खड़ी करने वाली क्रूर घटनाओं पर पर्दा डालने और सांप्रदायिक सौहार्द का झूठा दिखावा करने के लिए पीस कमेटियां भी बनाई जाती थीं।
लेकिन इनकी हकीकत को इस बात से समझा जा सकता है कि ऐसी ही एक कमेटी के सदस्य बनाए गए शत गोपालाचार्य द्वारा हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार की शिकायत करने पर गोपालाचार्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और दूसरे सदस्यों को भी ऐसे ही परिणाम भुगतने की धमकी दी जाती थी। हैदराबाद के मुसलमानों के आतंक को इसी बात से समझा जा सकता है कि एक मस्जिद के मुल्ला ने भारत सरकार के एजेंट जनरल के एम मुंशी के सर पर भी 5,000 रुपये का इनाम रख दिया था। हैदराबाद रियासत के सभी हिंदुओं को खत्म करने की धमकी देते हुए MIM के अध्यक्ष कासिम रिजवी ने कहा था, अगर भारत हैदराबाद रियासत पर आक्रमण करता है तो उन्हें 1,50,00,000 हिंदुओं की हड्डियां और राख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। निजाम और MIM की लगातार बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों के कारण भारत द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाकर 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कर लिया गया। MIM को प्रतिबंधित कर उसके अध्यक्ष कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वो अलग बात है, MIM और मुसलमान रजाकार अपने इस्लामिक एजेंडे को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहे। ऐसा माना जाता है कि किसानों के नाम पर वामपंथियों द्वारा किए गए हिंसक आंदोलन तेलंगाना कृषक आंदोलन में इन्हीं मुसलमान रजाकारों ने हथियार सप्लाई किए थे। सन 1957 में कासिम रिजवी को इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वो अपनी रिहाई के 48 घंटे के भीतर पाकिस्तान चला जाए। अपने पाकिस्तान जाने से एक दिन पहले कासिम रिजवी ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें MIM की कमान अब्दुल वाहिद ओवैसी को सौंप दी गई थी। ये अब्दुल वाहिद ओवैसी वर्तमान में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का दादा था। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने MIM के खूनी इतिहास पर पर्दा डालने और इस पार्टी को अखिल भारतीय रूप देने के लिए इसका नाम MIM से बदलकर AIMIM अर्थात ऑल इंडिया मजलिस इतिहादुल मुस्लिमीन कर दिया था। कमाल की बात यह है कि जहां AIMIM के वर्तमान नेता अपने इस इतिहास पर गर्व करते हैं और MIM के शुरुआती नेताओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, वहीं बड़ी चतुराई से इन्होंने अपनी वेबसाइट पर पार्टी के इतिहास में से कासिम रिजवी को छुपा दिया है। खैर, नाम बदलने से न तो पार्टी की विचारधारा बदली और न उद्देश्य। अब्दुल वाहिद ओवैसी को देश विरोधी और हिंदू विरोधी गतिविधियों के लिए 14 मार्च 1958 को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने, दंगा फैलाने और गैर मुस्लिमों अर्थात हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए मुकदमा चला और उसे 11 महीने तक कैद में रहना पड़ा था। अब्दुल वाहिद ओवैसी के बाद 1975 में AIMIM का अध्यक्ष उसका बेटा सलाहुद्दीन ओवैसी बना, जिसे मुस्लिम कम्युनिटी का कमांडर भी कहा जाता था। सलाहुद्दीन ओवैसी के बाद 2008 में उसका बेटा असदुद्दीन ओवैसी मजलिस का अध्यक्ष बना। एक रियासत से प्रारंभ हुई MIM अब तक एक बड़े जनाधार वाली कुख्यात राजनीतिक पार्टी AIMIM बन चुकी है। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। हिंदुओं को खत्म करने और पूरे भारत में इस्लामिक शासन लाने की MIM की सोच आज भी बदस्तूर जारी है। चाहे फिर AIMIM के नेताओं द्वारा हिंदू देवी देवताओं और महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणियां करना हो या भारत माता के सम्मान की बात हो, AIMIM के नेता भारत में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठिए रोहिंग्या का पक्ष लेते हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने एवं CAA और NRC जैसे कानूनों का पुरजोर विरोध करते हैं। इन कानूनों के विरोध में रैलियां निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं। दरअसल आज के समय में हिंदुओं के लिए ये खतरा पहले से अधिक बड़ा और गंभीर है, क्योंकि विभिन्न राज्यों में चुनावों में AIM को मिल रही सफलता और इसका लगातार बढ़ता वोट प्रतिशत ये सिद्ध करता है कि पूरे भारत में AIMIM पार्टी और इसके इस्लामिक एजेंडा को मुसलमानों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। और इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि मुस्लिम लीग की ही तरह आने वाले समय में AIMIM भी पूरे भारत में मुसलमानों के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर कर सामने आए। कभी AIMIM के नेता कहते हैं कि उनके पुरखों ने भारत पर 800 साल राज किया है
तभी वो कहते हैं पूरा भारत उनके पुरखों का है। मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान बनाने के बाद आज भी वो अपना हिस्सा मांगते हैं। जैसे 1940 के दशक में कांग्रेसी नेता मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को एक काल्पनिक एवं असंभव मांग बताते थे और पाकिस्तान का निर्माण मेरे शव पर होगा जैसे झूठे आश्वासन देकर हिंदुओं को असमय मरने के लिए छोड़ दिया था, पाकिस्तान भी बना और इस तरह के आश्वासन देने वाले नेता जीवित भी रहे और मृत्यु को प्राप्त हुए ऐसे नेताओं पर विश्वास करने वाले निर्दोष हिंदू। आज भी देश उसी दौर से गुजर रहा है जहां हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए उन नेताओं और दलों पर आस लगाए बैठे हैं जो खुद को हिंदू बोलने से भी डरते हैं और धर्मनिरपेक्षता का दिखावा कर हिंदुओं को असामयिक मृत्यु की ओर धकेल रहे हैं। अगर हिंदू अपनी, अपने परिवार और अपने धर्म की सुरक्षा चाहता है तो उसे इन झूठे राजनैतिक दलों और संगठनों पर निर्भर रहने की बजाय अपनी सुरक्षा का दायित्व अपने हाथों में लेकर शत्रु को उसकी भाषा में उत्तर देना चाहिए। वैसे भी शताब्दियों से चल रहे इस संघर्ष में हिंदू धर्म और समाज को अपूर्णनीय क्षति उठानी पड़ रही है। अतः अब हिंदू समाज को इस संघर्ष को परिणाम तक पहुंचाकर हो रही इस हानि को हमेशा के लिए रोक देना चाहिए।